दोस्तों हमारे समाज में अवैध संबंधों को गलत समझा जाता है। कहते हैं कि जब ऐसे संबंध बनते हैं तब कोई ना कोई दर्दनाक अंजाम जरूर होता है। इन अवैध संबंधों से उन लोगों की ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है जो इसमें शामिल होते हैं, साथ ही उन लोगों की भी होती है जो इनसे जुड़े हुए होते हैं। आए दिन अखबारों में या न्यूज़ में आप अवैध संबंधों के बारे में कोई ना कोई खबर जरूर पढ़ते होंगे। अवैध संबंध के जाल में सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। वैसे तो रिश्ते दो इंसानों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जो उनकी ज़िंदगी खराब कर देता है। अवैध संबंध अपने आप में ही एक अपराध माना जाता है और बहुत दरियादिल होती हैं वो बीवियाँ जो अपने पतियों के नाजायज संबंधों के बारे में जानने के बावजूद उन्हें माफ कर देती हैं। आज हम बॉलीवुड की 7 ऐसी ही बीवियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पता था कि उनके पति उन्हें चीट कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने उन्हें माफ कर दिया और अपनाया। नंबर 1, शाहरुख खान और गौरी खान। बॉलीवुड के परफेक्ट कपल माने जाते हैं। शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। दूसरी हीरोइनों के बदले शाहरुख खान की प्रियंका पहली पसंद बन गई, लेकिन गौरी ने इसे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता बताकर बात को टाल दिया। खास दोस्त सुजैन और अर्जुन रामपाल की पत्नी मेहर के लांक समझाने पर भी गौरी असलियत नहीं देखना चाहती थी। फिर एक वक्त आया जब गौरी का भी विश्वास अपने पति पर से हिल गया। गौरी को तब शक होने लगा जब प्रियंका भी उनके घर मन्नत की हर उस पार्टी का हिस्सा होने लगी जिसमें सिर्फ करीबी ही आते थे। दरअसल डॉन फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख की नजदीकियां प्रियंका चोपड़ा से बढ़ने लगी थी। इस बात का पता चलने पर गौरी ने शाहरुख को छोड़ने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने प्रियंका से दूरी बना ली। नंबर 2, कभी अमिताभ और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध जोड़ी हुआ करती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके अफेयर से परेशान होकर जया ने बिग बी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि बाद में जया की वजह से अमिताभ संभल गए और शादी टूटने से बच गई। नंबर 3, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का। एक समय में अक्षय का दिल भी प्रियंका चोपड़ा के लिए मचल गया था। फिल्म ऐतराज में एक बार फिर से प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार साथ नजर आए। इस फिल्म में प्रियंका का किरदार नेगेटिव था। फिल्म में अक्षय कुमार की पत्नी का किरदार करीना कपूर खान ने निभाया था। ऐतराज फिल्म में भी अक्षय और प्रियंका के एंटीमेंट सीन थे। दोनों की केमिस्ट्री ने एक बार फिर आग लगा दी। इस दौरान भी कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच काफी कुछ चल रहा था। इस बात की भनक लगते ही ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने के लिए मना कर दिया, जिसका पालन अक्षय कुमार आज तक कर रहे हैं। नंबर 4, शुरुआती दौर में करिश्मा को धोखा देकर अजय ने काजोल के साथ अफेयर चलाया। हालांकि बाद में काजोल से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद उनका नाम बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के साथ जोड़ा गया। दोनों के बीच अफेयर की खबरें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उड़ी। काजोल को जब इसका पता चला तो उन्होंने अजय को सख्त हिदायत दे दी कि वह कंगना से दूर रहे। नंबर 5, जब गोविंदा का करियर उड़ान पर था तब उन्होंने रानी मुखर्जी पर अपना दिल हार दिया। हालांकि उनका ये अफेयर ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसके बाद उन्होंने सुनीता से माफी मांगी और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इन दिलफेंक आशिकों के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।